बिल्कुल नहीं है, खजुराहो आपको पता ही है कहाँ है। एलिफेंटा अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया की ओर जाएं, अगर आपने कभी मुंबई में भ्रमण किया है, तो एक छोटा सा जो हार्बर है आपको नजर आएगा, जो एलिफेंटा केव्स के नाम से फेमस है। बहुत ही आसान प्रश्न है मुंबई वासियों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, या फिर जो भी घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था ये, एलिफेंटा केव, और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए भी आसान प्रश्न। अगला क्वेश्चन जो भारत में हर एक क्रिकेट प्रेमी जानता ही होगा, आपको याद होगा, इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर कंप्लीट हिज 100th सेंचुरी। बांग्लादेश के ढाका के शेरे बंगाल स्टेडियम में 100वीं सेंचुरी आदरणीय भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी ने लगाई थी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप प्रेप चेक कर सकते हैं अगर आप क्रिकेट प्रेमी नहीं हैं तो। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया प्रोक्योर द एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज INS विक्रमादित्य? INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया? देखिए, 99% तो रशिया ही होगा, क्योंकि हमने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं मिलिट्री प्रोडक्ट्स, वो रशिया से ही लिए हैं। हमारा डिफेंस पार्टनर है रशिया, और यूक्रेन की भी भाषा कुछ इसी तरह की होती है, क्लाशनिकोव, ग्लाशनिकोव। पर मैं तो रशिया के साथ ही जाऊंगा, बिल्कुल रशिया के साथ। आप रेप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर रशिया होना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान ही प्रश्न कहा जाएगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं आखिरी चार प्रश्नों की ओर, जल्दी से हम जीके सेक्शन खत्म करेंगे। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा इसे, अगला क्वेश्चन जो है। द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऑम्बड्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया, प्रोक्योरेटर जनरल ऑफ रशिया एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इन फ्रांस। देखिए, स्कैंडिनेवियन जो भी मतलब देश हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आपने नाम सुना ही होगा, इन देशों में इस ऑम्बड्समैन की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं बहुत ही प्रारंभिक काल से, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आपने इनका नाम सुना होगा, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड का। इसका आंसर बी होना चाहिए, और क्योंकि यहीं से लोकपाल और लोकायुक्त आया है। लोकपाल और लोकायुक्त, आपने लोकपाल बिल के बारे में सुना होगा, जहां पर करप्शन, नेपोटिज्म और अन्य चीजों में एक जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आप ग्रुप डी का कोई कर्मचारी हो, एक प्यून हो, या फिर भारत का एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो इसके अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, परंतु आशा है कि आप जरूर इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। हु इज द फर्स्ट एयर चीफ टू रिसीव द ऑनर ऑफ मार्शल? अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा फेसबुक या फिर अन्य पोस्ट पढ़ा हो या पढ़ते हो, तो अर्जन सिंह जी, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इन्हें याद किया था। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, 5-स्टार ऑफिसर भारत के, और इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र 5-स्टार ऑफिसर, जिसे कि मार्शल भी कहा जाता है, आदरणीय अर्जन सिंह जी, इनका इसका उत्तर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। आखिरी दो क्वेश्चन में 49वां है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा टफ मैं मान सकता हूं इस क्वेश्चन को। और आखिरी क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई होम? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो IMF करती है, हाँ, अगर यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा हो तो। ये रहे 50 प्रश्न जो कि पूछे गए। मुझे लगता है कि अच्छा ही किया होगा सभी लोगों ने, जनरल नॉलेज में। आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज और या फिर ये वीडियो मैं लेकर आया था स्पेसिफिकली टेरिटोरियल आर्मी के प्रतिभागियों के लिए। अगले वीडियो में हम बाकी सेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, और मुझे आशा है कि आप BPSC एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अन्य जितने भी वीडियो आपको ऑनलाइन मिलते हैं आप देखें, पुस्तकों का पारायण करें, प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।